गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम हर रोज मुझसे पहले कैसे उठ जाती हो? भाई तुमसे पूरे 5 साल बड़ी जो हूँ, बड़े बूढ़ों को नींद नहीं आती ना ज्यादा। चलो इस बहाने तुमने ये तो माना कि तुम बूढ़ी हो गई हो। पहले तो बिल्कुल भी एहसास नहीं था, लेकिन जब से रिटायरमेंट का सुना है ना, वाकई लगने लगा है बूढ़ी हो गई। अब तो सीनियर सिटीजन में शुमार होने लगा है मेरा। अच्छा अच्छा, मेरी सीनियर सिटीजन शिकल से तो अभी भी तुम 30-35 की ही लगती हो। अच्छा ज्यादा मस्का ना लगाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ठीक। बुशरा आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार है। आज तो मेरा दिल चाह रहा है स्कूल ही ना जाओ। तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक नहीं हो गया छुट्टियों का? अभी पिछले महीने तो 2 छुट्टियां की हैं तुमने। हाँ। रहम खाओ अपने बेचारे स्टूडेंट्स पे, फाइनल एग्जाम्स हैं उनके। मैंने ही पेपर चेक करने ना, पास कर दूंगी सबको। शुक्र है तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ते वो बच्चे, वरना तो अल्लाह ही हाफिज था उनका। पूरे स्कूल में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे स्टूडेंट्स का आता है, 100%, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मिलता है। तुम्हारे तो 90% भी नहीं आता, तुम तो वैसे ही जेलस हो। अरे तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। हाँ तो तुम मत दिया करो ना बहाना। अच्छा मेरी माँ गलती हो गई, अब जरा जल्दी से नाश्ता कर लो वरना फिर लेट हो जाएंगे। तुम कर लो, मैंने शुरू कर दिया। चलो मैं ये लगा के देती हूँ। मेरी वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी वजह से होंगे, तुमने नाश्ता स्लो मोशन में। हाँ तो तुम ऐसी बातें ना किया करो ना, गुस्सा दिलाने वाली। अरे भाई अगर मैं कर भी देती हूँ तो सुन लिया करो ना, आगे से आर्ग्यू करना शुरू कर देती हूँ। शुक्र करो तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हारा मियाँ तो अगले साल ही पागल हो जाता। अच्छा तुम्हारी तो हुई थी ना? गाड़ी तक तो तुम्हें चलानी नहीं आई सही से, क्या बनेगा तुम्हारा अगर मैं नहीं हूंगी तो? तुमने बस हर बात पे बोल दी। रोज ही तो मिलते हैं, वैसे ही हैं जैसे रोज होते हैं। मैं तो रसमल पूछ लेता हूँ, आप चाय पियेंगे? हम लोग चाय के लिए जा रहे हैं। नहीं मैं अभी स्टाफ रूम से चाय पी कर ही आ रहा हूँ। तो क्या बातें हो रही थी स्टाफ रूम में? कोई खास नहीं, बस मिस बुशरा की फेयरवेल पार्टी के बारे में बात हो रही। यानी मेरी फेयरवेल पार्टी आपके लिए कोई खास बात नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं भाई, आपके लिए तो मेरी क्लास ने एक स्पेशल आइटम तैयार किया है। और आपने? अब भाई ये सोच रहा था कि मैं और मिस आस्था मिलके कोई 60 का क्यूट सॉन्ग गाएंगे आपकी पार्टी में, क्या ख्याल है मिस आस्था? ओके तो फिर ऐसा करें, आप लोग कोई अच्छा सा गाना प्रिपेयर करें, मैं जरा अपनी क्लास में जाऊं। बुशरा को क्या हो गया? मुझे अपनी रिटायरमेंट की नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्यों? मेरी फिक्र क्यों हो रही है? इसलिए कि आज मेरा लास्ट डे है, उसके बाद ये 6 घंटे तुम्हारे वहाँ कैसे गुजरा करेंगे? वो है ना जमाल सर। भाई उस ठरके बुड्ढे का नाम मेरे सामने मत लिया करो, यू नो आई डोंट लाइक हिम। पराए लाइक है, मजे की बातें करते हैं। तो फिर शादी कर लो उससे, बहुत खुश रखेगा तुम्हें।
जब मेरी शादी की उम्र थी उस वक्त तो तुमने करने नहीं दी, तुम्हें कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता था। इसलिए कि कोई मुझे तुम्हारे काबिल लगा ही नहीं। अब आओ जल्दी से नाश्ता करें, बहुत देर हो रही है, जाना भी है। चलो आ जाओ। You know what? I'm missing your छोटी मैडम। किसी तरह दिन ही नहीं गुजर रहा। इन स्कूल वालों से कहा भी कि मुझे अभी रिटायरमेंट नहीं चाहिए, okay, they don't listen, do they? लो, तुम्हारी छोटी मैडम का फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ, अभी मैं अपनी बर्स के साथ तुम्हारी बातें कर रही थी। आई मिस यू। पता है क्या, स्कूल इतना खाली खाली लग रहा है तुम्हारे बगैर। आई एम मिसिंग यू टू। यहाँ भी तो ये खाली घर मेरा मुंह चढ़ा रहा है। अभी भी 2 घंटे पड़े हैं छुट्टी होने में। क्या कर रही हो? ब्रेक हुई है, क्लास से बाहर निकली हूँ। हाँ भाई, वो तुम्हारे सर जमाल कहाँ है? अगर आएंगे भी ना तो डांट खाकर वापस जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि मूड सख्त ऑफ है मेरा। अच्छा उन्हें छोड़ो, ये बताओ क्या पकाऊं खाने में? मसूर की दाल। अच्छा ब्रेक खत्म हो गई है, कट को। अच्छा अच्छा ठीक है, बस सीधी घर आना, कहीं और ना चली जाना, इंतजार कर रही हूँ मैं। ओके ओके। रोज मसूर की दाल, रोज मसूर की दाल। तुम्हारी छोटी मैडम को तो बस मसूर की दाल पसंद है। जल्दी से जाके चढ़ा दूं, चावल भी बना लेती हूँ साथ। अरे भाई शाइस्ता, उठ जाओ, 8 बज रहे। अभी क्यों उठ जाओ, अब कौन सा स्कूल जाना है? भाई मेरी तो सुबह ही सुबह आंख खुल जाती है, अकेले नाश्ता नहीं होता मुझसे। तुम आओ मिलके नाश्ता करेंगे, आ जाओ शाबाश, मैं इंतजार कर रही हूँ। गिरे
बाकी है। चाय। थैंक यू। लेट्स चेंज द म्यूजिक, ये नहीं है मजे का। ये तो मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है। मैम बस आप आगे नहीं जा सकते। मुझे जाने दे प्लीज। मैं वहां कमरे में खड़ी रहूंगी, उसके पास किसी को कुछ नहीं कहूंगी, चुप करके खड़ी रहूंगी। बिल्कुल उनको कुछ नहीं होगा, आपको आप संभाले नहीं है, उसे अकेले में डर लगता है बहुत ज्यादा। मुझे जाने दे। आप प्लीज यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कुछ नहीं होगा उनको। आप भरोसा रखें, आप ले आइए ना हॉस्पिटल में उनको, अब कुछ नहीं होगा। आप खुद को संभालें, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी पीजिए, ये ले पानी पिए। ये इनको पहला हार्ट अटैक है, पहला 2 साल पहले हुआ था। तो कोई इनको शॉक वगैरह लगा क्या? आई मीन सदमा। हम दोनों तो डांस कर रहे थे। कैसी है वो? सब खैरियत? हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में है वो। क्या मतलब है आपका उम्र के जिस हिस्से में? सिर्फ 5 साल बड़ी है डॉक्टर साहब मुझसे। मुझे देखे, मैं तो ठीक हूँ ना बिल्कुल। हम तो सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर साहब, प्लीज उसे बचा ले। देखे हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। ठीक है, थैंक यू। मैं यही बैठी हूँ, आप प्लीज मुझे बता दी रहिएगा उसकी तबीयत कैसी। हाँ हाँ आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। आप बैठ। रात को यहाँ पे जो नर्स थी वो कहाँ गई? वो तो नाइट ड्यूटी पे थी। मेरे साथ एक पेशेंट आई थी, वो कहाँ है, कैसी है? ऑपरेशन तो कामयाब हो गया होगा ना, मैं मिलना चाहती हूँ। क्या नाम था उनका? उषा। एक सेकंड। हार्ट अटैक हुआ था उसे रात को, आपके यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन कर रहे थे, कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। उषा के नाश्ते का वक्त हुआ, मैं घर ले जा सकती हूँ उसे। आपके साथ और कोई है? नहीं नहीं। क्यों?
देखे बात दरअसल ये है कि क्या हुआ है उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। देखिए आप हौसला रखिए, खुदा को जो मंजूर था वही हुआ है। क्या हुआ है? आई नो कुछ गलत नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ है उसे एक हार्ट अटैक, कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक हो गई थी, अभी ठीक हो गई होगी। क्या हुआ? वो अब नहीं रही है। क्या कहा है आपने? क्या कहा है आपने? क्या मसला? डॉक्टर साहब रात को जो पेशेंट आई थी ये उनके साथ है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सोचा की डेथ हो ही नहीं सकती, वो मर ही नहीं सकती, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कोई आप दोबारा रजिस्टर में चेक करें, आप दोबारा चेक करें। देखें आप खुद को संभालें। कैसे संभालूं खुद को? कैसे संभालूं खुद को? जिंदगी के 30 साल हम दोनों ने एक साथ गुजारी और अब तुम कह रही हो कि वो नहीं। I'm sorry, लेकिन लेकिन क्या? अच्छा चलो मान लिया वो नहीं। सारी शाम तो मैं यहाँ, कितने बजे हुआ है ये सब? हाँ सारी शाम तो मैं यहाँ बैठी रही, मुझे कैसे पता नहीं चला कितने बजे हुआ ये सब? सुबह के 5 बजे। सारी रात तो मैं यहीं बैठी थी, मुझे पता क्यों नहीं चला मेरी हाँ कैसे लग गई, मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ जब उसकी जान निकल रही थी। कैसे हो सकता आप लोगों ने जान के किया ये सब? देखिए बीबी हमने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर जो अल्लाह को मंजूर। सॉरी ये तो यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इन्हें तो बचाना चाहिए, इन्होंने तो क्यों किया? देखिए मैम खुदा को जो मंजूर था वो हो चुका है, खुदा के फैसले को कोई भी नहीं टाल सकता। अब आप बेहतर ये है कि उनके किसी रिश्तेदार का पता बताइए ताकि बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सके। क्या फॉर्मेलिटीज? हमें उनकी डेड बॉडी किसी के हवाले तो करनी है ना। मैं ले जाऊंगी उसे, आप बताइए कहाँ सिग्नेचर करनी। आप क्या लगती हैं उनकी? उसकी ऐसे करते रहते हैं हम। क्या आपका कोई रिश्ता है उनसे? एहसास का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। देखिए मैडम आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट कानून और हॉस्पिटल आपके इस रिश्ते को नहीं मानते। क्या मतलब है नहीं मानते? क्या दोस्ती के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? देखिए उनकी डेड बॉडी उनका कोई खूनी रिश्ता ही ले जा सकता है। मेरे अलावा कोई नहीं उसका। हम मजबूर हैं, आप किसी रिश्तेदार को तो जानती होंगी उनके। उसके एक भांजे का नंबर है मेरे पास, आप प्लीज उनको फोन कीजिए। उसका नंबर, उसका नंबर घर पर आती हूँ, मैं करती हूँ फोन, पुरानी डायरी में है नंबर। सुबह 5 बजे मुझे क्यों पता नहीं चला मेरी कैसे आंख लग गई। दिस इज नॉट फेयर बुशरा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? दिस इज नॉट फेयर।
हाँ शायद हमारा इतना आना जाना नहीं था, काफी साल पहले हम लोगों के ताल्लुकात खत्म हो गए थे। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये आंटी तुम्हारी खाला की क्या लगती है? लगती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 30 साल से एक साथ रह रहे हैं और बेस्ट फ्रेंड थी। शुरू शुरू में तो हमारे घर पे भी आती थी, लेकिन अम्मी की डेथ की बात से उन्होंने आना जाना छोड़ दिया। शायद अब्बू से कोई लड़ाई हो गई। अच्छा, तो खाला का कोई और अजीज रिश्तेदार जिसे तुम जानते हो? हाँ शायद कोई होगा नहीं, वैसे अगर होता तो डेड बॉडी क्लेम के लिए हमें ना बुलाता। गुड, इसका मतलब है कि खाला की इस प्रॉपर्टी के तुम अकेले ही वारिस हो। यानी कि बहुत दूर की सोच लिया आपने। क्यों ना सोचूं, आखिर वकील की बीवी हूँ। और ये घर किसके नाम है, खाला के या इन आंटी के? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर ये घर खाला के नाम पर हुआ तो समझो लॉटरी लग गई। अरे भाई शाइस्ता, उठ जाओ, 8 बज रहे। तो मेरी तो सुबह सुबह आंख खुल जाती है, अकेले नाश्ता नहीं होता मुझसे। तुम आओ मिलके नाश्ता करेंगे। हाउस माशाल्लाह, इसके नाम है? नाम तो बिश्रा के है, पर हम दोनों का ही है। जल्दी बाहर फ्रेंड कॉटेज लिखा हुआ है। बड़ी मेहनत की थी हमने घर को बनाने के लिए। पूरे 15 साल हम दोनों अपनी सैलरीज में से 50% जमा करते रहे हैं घर के लिए, के रिटायरमेंट के बाद दोनों सुकून से रहेंगे। बुशरा ने साथ ही नहीं दी, बीच रंग में छोड़कर चली गई। फर्नीचर भी खासा अच्छा है, ये सब किसका है? इस घर में जो भी कुछ है वो हम दोनों का है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड वकील है ना, तो मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी चीजें सारी क्लियरफाई हो जाए तो पेपर्स बनवाने में मुश्किल नहीं होगी। कैसे पेपर्स? आंटी एक्चुअली वो लाहौर से बार बार यहाँ पर आना जरा मुश्किल है ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि खाला के नाम पर जो कुछ भी था सब कुछ एक ही दफा बेच कर यहाँ से चले। लेकिन आप बता रही हैं कि ये घर भी अलग ही नाम पर है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी छुट्टियां एक्सटेंड कर लें और यहाँ पर मजीद रह लें। और वैसे भी इस घर को बेचने में 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे ना, आप हमारे साथ चलिएगा, कुछ खिदमत का मौका हमें भी दे दीजिए। बिल्कुल, खाला की खिदमत तो हमारे से नहीं है। और वैसे भी आप इतने बड़े खाली घर में अकेले कैसे रहेंगे? ये घर खाली नहीं है, उषा की यादें हैं इस घर में। आप दोनों प्लीज आइंदा से बेचने की बात मत कीजिएगा। घर
लगता है आंटी जी बुरा मना रहे हैं। उनके नाराज होने से क्या होता है? मैं तो आज सारे पेपर तैयार कर लूंगा। प्लीज समझते क्या है अपने आप को? मेरी मर्जी के बगैर घर बेच देंगे। ये चीज किसके नाम है, वो चीज किसके नाम है? हाथ ओके वो तो मैं हॉस्पिटल वालों की वजह से मजबूर हो गई। वो गुस्सा की डेड बॉडी जो नहीं दे रही थी मुझे, मजबूरन फोन करके उसके भांजे को बुलाना पड़ा। कैसे लूटेंगे उनके नजदीक एहसास के रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं। पूरे 30 साल से बुशरा करते रह रहे इसी छत के नीचे, सारी खुशियां सारे गम एक साथ पाते हैं। लेकिन ये दुनिया मोहब्बत से कितनी आ रही है ये आज पता चला मुझे। जब हॉस्पिटल वाले ने मुझे दूसरों की डेड बॉडी देने से इनकार किया, एक ही नमे में अजनबी कर दिया मुझे। मैं बताओ पहले अपने दोस्तों की दोस्ती के लिए भी कोई लीगल प्रूफ चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली बेड का साइज दे रही थी, मुझे तो काफी बड़ा लग रहा है, आई थिंक किंग साइज है। और प्योर वुड का भी अच्छे रेट लग जाएंगे इसके। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं तुम्हें कोई एक चीज भी नहीं बेच रही। ओके ओके तो आप अपनी चीजों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, लेकिन जो खाला का सामान है उसे तो अब बेचना ही होगा, सब बेकार है। इस घर में कोई भी चीज बेकार नहीं है, हर चीज का अपना एक वजूद है, सांस लेती है हर चीज। आई समझ में? देख लो तो मेरी कमीज। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, प्लीज मुझे मेरा काम आराम से करने दीजिए। इसलिए मैं हूँ, प्लीज। आपका रूम चेंज? ये तो पूरे का पूरा घर ही खाला के नाम है, तो ये रूम भी तो खाला का ही हुआ। मैं तुम्हारे शोहर से बात करूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये आंटी इतनी आसानी से मानेंगी। ये सब मानने में उन्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन तुम्हें अपने रवैये में नरमी पैदा करनी चाहिए। आज भी वो बता रही थी कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की है। मैंने उनसे बदतमीजी की है? मैंने तो जायज बात की है। देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कौन जायज कर रहा है और कौन नाजायज कर रहा है। बस मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ओवर रिएक्ट करने के बजाय उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आया था। तो हमने भेज नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ हो। उम्र के इस हिस्से में हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। 30 साल तक तो उनकी कोई परवाह नहीं की, फिर ये अचानक से एकदम इतनी हमदर्दी। देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि आंटी जी को कंफर्ट कराने के चक्कर में हम हाथ पलते रह जाए, और ऐसा ना हो कि खाला का कोई और रिश्तेदार उठ खड़ा हो। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। कल तक बिल तैयार हो जाएगी, और जब तक घर बिक नहीं जाता तुम्हें आंटी से प्यार मोहब्बत से ही बात करनी। I don't want to create any mess. और उसके बाद आंटी रहेंगी कहाँ? उस दिन हमारे साथ और उसके बाद ओल्ड होम में। ये ठीक रहेगा, वैसे भी मुझसे बड़े बूढ़ों की खिदमत नहीं होती। क्या कर रही हो? आराम से बोलो, वो सुन लेंगे। प्लीज मेरी खातिर कुछ दिन और कर लो। तुम्हारी खातिर तो नहीं,
अलबत्ता इस घर की खातिर जरूर कर लूंगी। मैं अपने कल के बिहेवियर पर काफी शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए बच्चों से तो गलतियां हो जाती है ना। आप लोग वापस कब जा रहे हैं? आप चाय में चीनी कितनी लेंगी? चाय नहीं पी। आप मेरा गुस्सा चाय पर क्यों निकाल रही हैं? आपने मेरी बात का जवाब दिया। किस सवाल का जवाब? आप लोग कब वापस जा रहे हैं? आंटी जी हम यहाँ से अकेले थोड़ा ना जाएंगे, आप भी तो हमारे साथ ही जाएंगी। कहीं नहीं जाना मुझे, मैं खुश हूँ अपने घर में। देखिए आंटी जी मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अब आपको भी तो इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस खाली घर में अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए हमें बाहमी रजामंदी के साथ इस घर को फरोख्त कर देना चाहिए। और वैसे भी यूसुफ खुद वकील है और फिर इस घर का पावर ऑफ अटॉर्नी भी खाला के नाम था, उस लिहाज से तो कोई भी ताकत हमें इस घर को बेचने से रोक ही नहीं सकती। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि आप इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप वकीलों को अफोर्ड कर सके। अब आप खामा खा एक हारे हुए केस के लिए क्यों मेहनत कर रही हैं? अब आप मेरा मशवरा माने और जिद छोड़ दें। आप एक बार पढ़ लीजिए। क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी खाला की रूह को बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी सर। अगर ये घर आपके नाम होता तो हम इसकी एक ईंट भी ना बेचते। दोनों का था ना, इसका क्या सबूत है आपके पास? तुम चुप हो जाओ, मुझे बात करना था। भरोसे और मोहब्बत का भी कोई सबूत होता है क्या? और फिर हम दोनों में से तो किसी ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो एक पहले साथ छोड़ जाएगा। खाला ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन हम आपका साथ थोड़ी छोड़कर जा रहे हैं। हम तो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं। इतनी बड़ी हैसियत दे रहे हो और कहते हो कि कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। I'm sorry, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया का यही दस्तूर है, मरने वाले के बाद उसकी जायदाद पर उसके खून के रिश्तों का ही असर हक होता है, और कानूनी एतबार से आप खाला की कुछ नहीं लगती। फ्राइडे को इस घर का ऑक्शन है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। लगता है कि
इस घर में मेरा साथ बुशरा के होने तक ही था। प्लीज बुशरा, मुझे अपने पास बुला लो। मैं अकेली इस दुनिया से नहीं लड़ सकती, बहुत कमजोर पड़ गई हूँ मैं तुम्हारे बगैर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और ये रही आपके नए घर की चाबी। कहाँ जा रही हैं आप? और उषा के रिश्ते का नाम तलाश करने। गिरे अब बा